आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, साफ दमकती सुंदर त्वचा कौन नहीं चाहता। चेहरे के दाग धब्बे आपकी सुंदरता को बिगाड़ देते हैं। वो दाग फिर चाहे धूप की वजह से टैनिंग के हों या बरसों पुराने चोट के निशान हों। कुछ दाग काफी जिद्दी होते हैं और ये कई कोशिश करने के बावजूद भी नहीं जाते। इसके लिए आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं या कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, लेकिन यही कॉस्मेटिक्स आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे में कुछ प्राकृतिक उपायों की मदद से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। ये उपाय बिना किसी दुष्प्रभाव के जल्द ही अपना असर दिखाने में कामयाब होते हैं। आज हम नींबू का ऐसा प्रयोग आपको बता रहे हैं जो स्किन का राजा माना जाता है। ये आपके स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको खत्म कर देगा और आपके चेहरे को बना देगा ऐसा चमकदार कि चेहरा हमेशा चमकता और दमकता रहेगा, क्योंकि बहुत काम का है नींबू। चेहरे के दाग धब्बे वाले हिस्से पर नींबू का रस लगाएं, उसे 30 मिनट तक रहने दें। उसके बाद साफ पानी से चेहरे को धो लें। नींबू का रस चेहरे के दाग धब्बों को हटाने में मदद करता है। 2 महीने तक इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद जल्द ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। दूसरा एक और प्रयोग है, एक नींबू के रस में थोड़ी सी चीनी घोल लें। इस मिश्रण को कॉटन के टुकड़े की मदद से दाग वाले हिस्से पर लगाएं। आधे घंटे बाद सामान्य पानी से चेहरे को धो लें। एक तीसरा फायदा और है, उसको भी जान लेते हैं। नींबू के रस में शहद मिलाएं और पेस्ट को अच्छे से मिक्स करें। इस मिश्रण को चेहरे प्रभावित क्षेत्रों पर लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरे को धो लें। नींबू के रस से त्वचा शुष्क हो जाती है, लेकिन शहद से त्वचा को मॉइस्चर मिलता है जो त्वचा को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। एक और प्रयोग नींबू का है, वो भी आप देख लीजिए। नींबू के रस व दही का पेस्ट बनाएं। आप इस पेस्ट को चेहरे के स्पॉट वाले हिस्से पर रगड़ सकते हैं या मास्क की तरह भी लगा सकते हैं। 20-30 मिनट के बाद चेहरे को सामान्य पानी से आप धो लें। फिर आप देखेंगे कि आपके चेहरे की जो खोई हुई रंगत है, कैसे भी ब्लैक हेड्स हैं, वो कैसे ठीक होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।